मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा पोजीशन जो है सिर्फ लेबर के लिए है और लेबर के खुशी के लिए है, इसका साथ है दुख में और सुख में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, कतर के शेख ने हिंदू लेबर के बारे में क्या बोल दिया है आपको इस वीडियो में क्लिप में दिखाने वाला हूं। आपको ध्यान पूर्वक ये वीडियो क्लिप आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी होती है हमारे ही चैनल पर दी जाती है, और कतर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर दी जाती है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कतर के शेख ने हिंदू लेबर के बारे में क्या बोल दिए हैं, आइए पूरा मामला समझ लेते हैं। पहले मैं आपको इनकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, फिर आपसे मिलता हूं आगे। मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा पोजीशन जो है सिर्फ लेबर के लिए है और लेबर के खुशी के लिए है, इसका साथ है दुख में और सुख में। इसीलिए संभालो मेरे भाई अपना जिंदगी और अपना समाज। एनर्जी जो है ये पहले अन्नासर क्लब में था, हाँ, इसका एनर्जी वहाँ से आया है, और माशाल्लाह बहुत एनर्जी है इसका अंदर, और हमेशा रफीक भाई भी कितना साल से दिलिस्को के अंदर काम कर रहा था, अभी खुद भी काम करते हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी तक यंग है, 25 इसका एज है। अल्लाह ताला इसको हमेशा सेहत और सलामत रखे, हो अपने फैमिली के लिए कुछ करता है, और ये जैसा ऐसे लोग मिलते हैं ना तो आदमी को एक सबक मिलता है, एक यानी कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसा आदमी बोलता है अभी आराम का वक्त है नहीं, बोलता आराम नहीं होता है दुनिया के अंदर, जब इंसान सांस लेता है आराम की जगह नहीं है, काम और दिलेरी और खुददारी और ईमानदारी से करो और हमेशा अपना देश और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। आदमी जब मुसाफिर होता है, परदेश पे जाता है, इसका एक ख्वाब होता है, इसका ड्रीम होता है या सपना होता है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने जिंदगी की के लिए कुछ करें। लेकिन आता है कभी कभी इसको जरूरत होता है पीने के लिए तो पीता है। जो मैं बोलता हूं मेरे भाई, तू पी लेते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब वापस जाओगे ना, आप बीमारी अपने साथ मत ले जाना, तोहफा ले जाना अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए तोहफा ले जाना, बीमारी ना ले जाना। किडनी को प्रॉब्लम हो जाएगा, लिवर को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों? कि आपने शराब ज्यादा पी है। और आदमी कुछ लोग भी होते हैं ना जो शराब पीते हैं और बाद में गाना सुनते हैं, शराब जैसी है ऐसी न चूरी जाए, वो मेरे यारी की जैसी है न चूरी जाए, बाद में बोलता है मैं तो शौक नहीं है मुझको शराब पीना, लेकिन मैं पीता हूं गम बुलाने का। ये सवाल नहीं है, सवाल अपने आप को पूछो कि मैं यहां क्यों आया हूं, परदेश में क्यों आया हूं। एक वजह, एक ख्वाब, एक ड्रीम, एक सपना है अपने फैमिली, अपने फ्यूचर के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को, पर वाले को दुआ करता हूं कि आप लोगों को हमेशा सलामत रखे और सेहतमंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई। अपने रोजगार के लिए, अपनी रिस्क के लिए इंसान आता है, और कभी हमसे गलतियां होती है। गलतियां क्या होती है कि हम लोग अपना कंपनी छोड़ देते हैं, जो हम लोग को सैलरी मिलता है टाइम से सब कुछ, और हम लोग किसी वजह से दूसरा कंपनी में जाते हैं, वहां दलदल में फंसते हैं और कंपनी आपका वीजा भी नहीं बनाता। ये नंबर वन। नंबर दो, आदमी लोग जाते हैं वीजा खरीद लेते हैं, खरीदने का वीजा यहाँ अलाउड नहीं है, आपको बिना परमिशन काम करना का अलाउड नहीं है, आपको हमेशा लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पर होना चाहिए, और कभी भी जिंदगी में आज़ाद का वीज़ा का एक मतलब नहीं है, कहाँ कानून या दायरे के अंदर कुछ भी ऐसा नाम नहीं है जो उसका नाम है आज़ाद वीज़ा। इसीलिए संभालिए उन लोगों से भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सलाम अलैकुम। तो दोस्तों, इनकी वीडियो क्लिप देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।
तो चलिए मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ, खुदा हाफिज़।